हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा यार लोग ना पूछते रहते हैं कि भाई FZ का जो वर्ज़न 4 है वो कब आने वाला है मार्केट में, कब कितने दिन में हमें देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ उसमें नया देखने को मिल जाएगा, चेंजेस कितने होंगे, प्राइस क्या होंगे, काफ़ी सारे ये सारे लोगों के सवाल रहते हैं यार। आज ना एक एक लोगों का सबका सवाल मैं क्लियर करके चलूंगा, एक एक चीज़ें आपको इसमें डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात जो है, FZS वर्जन 4 कब लॉन्च होने वाला है मार्केट में, हमें इंडिया में कब देखने को मिल जाएगा। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सबका मैं इस वीडियो में आपको हर तरीके का जवाब दूंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबके क्वेश्चन का सवाल एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, से कि आपको नई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको नहीं देखनी। देखो, जो सबसे पहला सवाल है कि भाई उसके अंदर आपको लुक्स क्या क्या नए देखने को मिल जाएंगे, तो देखो भाई, जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि अभी जो इसके अंदर आपको फ्रंट में LED देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको MT वाला जो है प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिल जाएगा इन फ्यूचर डेफिनेटली। ये अभी Yamaha के रूमर्स निकले हैं और रूमर्स के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और भी ज़्यादा इसके अंदर नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, शायद मे बी इसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज़ कर दी जाए, बिकॉज जो अभी इसके अंदर जो पावर देखने को मिलती है ना गाइस, वो आपको 125 cc की बाइक जैसी देखने को मिल जाती है। 12 PS की ओनली इसके अंदर पावर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, बट ओवरऑल उसके बाद भी बाइक बहुत ज़्यादा बिकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यामाहा का ट्रस्ट। और जो इसकी इंजन की रिफाइनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया देखने को मिलती है, इसी वजह से यामाहा का विश्वास बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेल में ये बाइक अभी चल रही है। इसका अभी हाल ही में एक वर्ज़न इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें आपको 3D स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देख लिया होगा, वो उसके अंदर आपको 3D स्टिकर्स आपको सब कुछ देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपको कलर भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं यार, सबसे बहुत सारे कलर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, आप अपनी चॉइस से कोई सा भी इसमें कलर अभी ले सकते हो। सो गाइज, जो लॉन्च डेट है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है इसकी लॉन्च डेट का। लॉन्च डेट जो है गाइज, अभी इसकी नहीं आने वाली, बिकॉज अभी इसको लॉन्च होने में टाइम है, कम से कम आपको साल साल या 6 महीने तो इसमें अभी लॉन्च होने में लग जाएंगे। बिकॉज जो इसका ये वाला वर्जन है, इन्होंने अभी लॉन्च किया है, इसके अंदर नया कुछ डाल के थोड़ा सा, आप मेरी मानो तो यार यही खरीदो, जो उसकी प्राइस है वो कम से कम 20 से 25 हज़ार पे हाइक होने वाली है डेफिनेटली, इतने से कम तो होती नहीं है, बिकॉज जो है LED वगैरह चेंजेस करेंगे, टैंक लुक चेंज करेंगे, और मे बी इंजन भी शायद स्पीड उसमें थोड़ी पावर उसमें थोड़ी और बढ़ा दे, तो मे बी हो सकता है कि उसकी जो प्राइस होगी वो 20 से 25 हज़ार हाइक हो जाएगी। तो जो बाइक हाइक प्राइस में हो जाएगी तो यार फिर ये आपकी बजट से बाहर चली जाएगी, बिकॉज अपाची वगैरह भी सेम बजट में अच्छी पावर प्रोड्यूस करती है और उनमें भी कोई कमी नहीं देखने को मिलती, बढ़िया ज़्यादा सेल होती है। तो यामा को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा इन फ्यूचर जब भी इसका वर्जन लॉन्च होगा, बट यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये वाली बाइक मैं इन फ्यूचर लेने वाला हूँ, और मे भी आपको मेरे पास ये देखने को मिल जाए इन जनवरी इन फेब। मैं आप मुझे सजेस्ट करना कि कलर मैं कौन सा लूँ इसके अंदर। मैं जो सोच रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं सोच रहा हूँ या तो आप पूरा मैट ब्लैक लूँ, या फिर इसके अंदर आपको डार्क नाइट भी देखने को मिलता है, जैसे कि अभी वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, ये डार्क नाइट वाला एडिशन भी मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे बताना कि मेरे को कौन सा कलर इसमें से लेना चाहिए। तो ये बात जो थी वो मैंने आपको बता दी यार, अभी जो FZ है उसका वर्जन 4 आपको नहीं देखने को मिलेगा कम से कम साल भर, तो साल भर के लिए आप वेट कर लो। अगर वेट नहीं हो रहा तो भाई अभी भी इस बाइक को आप ले सकते हो बेझिझक, बिकॉज यार ये जो बाइक है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस रिफाइनमेंट जो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वो A1 देखने को मिलती है, इससे शायद ही रिफाइंड बाइक मैंने अभी तक चलाई होगी, बिकॉज जो 149 cc के अंदर जो देखने को मिलती है, जो अपाची आती है उसके अंदर भी वाइब्रेशन देखने को मिलती है, बट इसके अंदर आपको वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलती। एक ये जो इसका वेरिएंट था यार, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये जो 3D स्टिकर की मैं बात कर रहा था, ये वाला इसके अंदर आपको 3D स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। सो डेफिनेटली यार आप अभी इसको परचेज कर सकते हो, 1,30,000 29,000 पे समथिंग ये आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है, डिपेंड ऑन योर सिटी। सो गाइज, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।